दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए अप्रैल 2023 में रेलवे की बम्पर भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे के अंतर्गत बम्पर भर्ती की अपडेट आ चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 150,000 के लगभग वैकेंसी यहाँ पर निकली है, जिनके लिए आपसे अप्रैल 2023 में ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइज वैकेंसीज निकली है, आरआरबी के अलग अलग आरआरबी के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निकली है, क्या कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसीज रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस इसमें आपका क्या रहेगा, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं रेलवे भर्ती अप्रैल 2023 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। बात अगर यहाँ पर इसमें पोस्ट डिटेल की जाए तो इसमें पोस्ट है ALP टेक्नीशियन, TC TTE स्टेशन मास्टर, ग्रुप डी ट्रैकमैन, JEE टिकट क्लर्क, पारामेडिकल स्टाफ, NTPC और भी अन्य पोस्ट है, जिनके लिए यहाँ पर 1.5 लाख यानी कि 150,000 के लगभग वैकेंसी होने जा रही है। आवेदन इसके लिए अप्रैल 2023 से शुरू होने जा रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की मई 2023 है। सैलरी 21,700 से 69,100 है प्रति माह के लिए। 10वीं 12वीं पास ITI डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25, 30, 33, 36 और 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस UR OBC कैटेगरी के लिए ₹500 है। SST PWD या फीमेल के लिए 250 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान से भी जमा करा सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। indianrailways.gov.in पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। दोस्तों यहाँ पर आप इसकी अपडेट चेकआउट कर सकते हो। जी दोस्तों, 3.5 लाख रिक्रूटमेंट यहाँ पर इंडियन रेलवे में 2014 से 2022 के बीच में हुई है। यहाँ पर 43,000 प्रति वर्ष के लिए यहाँ पर एवरेज रहा है वैकेंसीज का। तो यहाँ पर बात अगर न्यू वैकेंसीज की जाए तो अप्रोक्स 1.5 लाख यानी कि यहाँ पर 1.5 लाख के लगभग न्यू रिक्रूटमेंट होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2014 से 2022 के अंतर्गत 3.5 लाख के लगभग वैकेंसीज हुई है। जो यहाँ पर 1.5 लाख वैकेंसीज होगी ये यहाँ पर 2023 के अंतर्गत होने जा रही है। यहाँ पर ये आप ये ट्वीट रीड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको भी ये नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करनी है तो आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक्स का ये सेक्शन दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, जल्दी एक्टिवेट होगा। आप यहाँ से RRB के अकॉर्डिंग यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो और नोटिफिकेशन भी आप जल्दी यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। सभी RRB की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी की जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। इंडियन रेलवेज की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट की आपको टैब दी गई है। यहाँ से आप जोन वाइज यहाँ पर रिक्रूटमेंट की अपडेट चेकआउट कर सकते हो। जल्दी आवेदन शुरू होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।